नमस्कार, जय हिंद। मैं नहीं कहूंगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं नहीं कहूंगा मित्रों, मैं केवल कहूंगा मेरे प्यारे देशवासियों। गलत हो जाएगा किसी और तरह से संबोधित करने में कि आप लोग सब लेबल करेंगे कि ये भक्त हैं। मैं किसी का भक्त नहीं हूं, केवल अपनी भारत माता का भक्त हूं, राष्ट्रभक्त हूं, देशभक्त हूं। और आज बहुत दुख है इस बात का कि हम सब हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। देश 4 साल की असीम प्रगति के बाद फिर एक ऐसे मोड़ पे आ खड़ा हुआ है। 6 महीने में चुनाव होने वाले हैं और विपक्ष के सब लोग इस बात की खुशी मना रहे हैं कि मोदी का समय पूरा हुआ। वाह, खुशियां मनाइए, लड्डू बांटिए। बहुत 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 शर्मनाक बात है कि 70 साल बाद एक ऐसा आदमी आया है जो देश को आज एक ऐसे मुकाम पे ले आया है कि आज जब हम विदेशों में सड़क पे निकलते हैं तो लोग मुस्कुरा के कहते हैं, यू आर फ्रॉम इंडिया, वाह, वेरी गुड कंट्री। इतने साल हो गए हम लोग बाहर जब रहते हैं, शर्म आती थी ये सोच के कि देश में कितनी गंदगी है, कितना करप्शन है, लोग जिस तरह से एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं और जिस तरह से एक दूसरे के साथ उनका उठना बैठना है उसमें कितना कॉन्ट्रडिक्शन है। हमारे मूल सिद्धांत कुछ और थे और हमारा व्यवहार कुछ और। हिपोक्रेट्स बोलते थे इंडियंस को बाहर। क्यों? क्योंकि एक तरफ जहां हम बोलते हैं कि भारत हमारी माता है, वहीं हम उसी देश को लूटते हैं। करप्शन में सबसे बड़ा नाम रहा इंडिया का पिछले 70 सालों में। आज 4 साल हो गए एक ऐसा नेता, एक ऐसी सरकार आई है कि एक केस नहीं है करप्शन का। और आज हम लोग इसी बात की खुशी मना रहे हैं कि उसके जाने का समय आने वाला है। शायद मैं कुछ नहीं कहता और आप सब की तरह, हम सब की तरह सिर्फ चुप रहता और दुख मनाता, लेकिन आज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पहली बार मेरे अपने प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, जो चुनाव के रिजल्ट्स की मुझे बिल्कुल अपेक्षा नहीं थी वही हुआ। 5 स्टेट्स के चुनाव के रिजल्ट्स आए। मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा शॉकिंग मेरे लिए इसी रे रहा क्योंकि मैं वहीं पला हूं, वहीं बढ़ा हूं, इंदौर मेरी जन्मभूमि है। 20 साल हो गए मुझे इंदौर से बाहर आए हुए, लेकिन हर साल कम से कम 1 या 1.5 महीने के लिए मैं वापस इंदौर जरूर जाता हूं और सड़कों पर घूमता हूं, लोगों के साथ मिलता हूं। वो देश मेरा है, वो शहर मेरा है। लेकिन 20 साल पहले मुझे याद है हम लोग हमेशा ये सोचते थे कि यार इस शहर का कुछ नहीं हो सकता। सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़कें ढूंढते थे हम। इतनी धूल, इतनी मिट्टी, इतनी गंदगी होती थी कि सुबह जब स्कूल जाते थे यूनिफॉर्म पहन के सफेद कलर का तो घर आते थे काला हो जाता था। लड़कियों की छेड़खानी होती थी, गुंडागर्दी खुलेआम होता था, चोरी चकारी सब होती थी, सड़कें खराब, गंदगी के नाम पे तो पूछो मत। लोग बड़ा तारीफ करते हैं कि इंदौर के पोहे, जलेबी, कचौड़ी बड़े फेमस हैं। बिल्कुल हैं, लेकिन वो कैसे पता चलता था? दुकानों के बाहर जो कूड़ा करकट और कागज पड़ा रहता था उसको देख के लगता था कि यार वाह, काफी लोग आके खा के गए हैं, जरूर यहां की जलेबी बड़ी अच्छी होगी। वन ऑफ द डर्टीएस्ट सिटीज, आई एम सॉरी टू से, वॉज इंदौर अबाउट 10-15 ईयर्स अगो। और आज उस प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने क्या काम किया है पिछले 10 साल। उस आदमी ने इतनी मेहनत करी और खासकर पिछले 5 सालों में जब से सरकार स्टेट में भी बीजेपी की थी और सेंटर में भी बीजेपी की थी, उनका तालमेल इतना अच्छा रहा। पिछले 2 साल लगातार वही इंदौर जिसको हम गाली देते थे अपना शहर होने के बावजूद, आज पिछले 2 साल से वही शहर इंडिया का फर्स्ट रैंक्ड क्लीनेस्ट सिटी के नाम पे जाना जाता है। 1 साल नहीं 2 साल, ये कोई फ्लूक नहीं है, कोई तुक्का नहीं है। और उसी मध्य प्रदेश का भोपाल शहर 2 साल तक नंबर 2 पर है, इंदौर 1 भोपाल 2। 2017 2018 सेम रिजल्ट पूरे भारत में, ये आश्चर्य की बात नहीं है क्या? अपने आप ये हो रहा है काम? कोई जादूगर आके कर रहा है? आलू डाला सोना निकाला, ऐसा कोई जादू हो रहा है वहां पर?
शिवराज सिंह चौहान ने जितनी मेहनत मध्य प्रदेश में करी है शायद ही किसी ने करी होगी। पिछली सरकारों ने तो लूट लिया, जब हम स्कूल में पढ़ते थे दिग्विजय सिंह चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, पूरा मध्य प्रदेश बीमारू स्टेट के नाम से जाना जाता था, इंडिया में थर्ड पुअरेस्ट स्टेट था मध्य प्रदेश। आज वो स्टेट 60% से ज्यादा सरप्लस बिजली उत्पादन करता है, जहां कभी वहां पर तीन तीन पांच पांच घंटे की कटौती होती थी बिजली में, आज वहां सरप्लस है, वहां की जीडीपी 5.9% है। आप क्या सोचते हैं ये सब अपने आप हो गया? इतनी सारी योजनाएं और इतना सारा काम जो मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने किया है, उसके बदले उनको हार प्रदान करना शर्मनाक बात है, बहुत शर्मनाक बात है। इसे कुछ और नहीं आत्महत्या ही कहूंगा मैं। देख लीजिएगा अब आप आने वाली सरकार क्या करती है। आप ही का चुनाव था, आप ही ने चयन किया, बधाई हो आपको, लेकिन यह गलती अब सेंटर में फिर से मत दोहराइए। 6 महीने बाद फिर से चुनाव होने वाले हैं। जिस आदमी ने 4 साल खून पसीना करके देश को इतनी उन्नति पे पहुंचाया है, उसको शर्मिंदा मत करना। आपको क्या लगता है, जीएसटी हो, डीमोनेटाइजेशन हो, उसके बारे में आप और हम कितना जानते हैं जो बोल सकते हैं? अरे एक परिवार, एक बीवी और 2 बच्चों वाला घर तो हम संभाल पाते नहीं, वो आदमी पूरा देश संभाल रहा है, और 4 साल में आप उसकी रैंकिंग करने लगेंगे, उसकी रेटिंग करने लगेंगे। क्या यह बात बड़ा नहीं है कि देखते देखते 1 हफ्ते के अंदर विजय माल्या आ गया, क्रिश्चियन मिशेल आ गया, जिनको पीछे पढ़ के उन्होंने एक्स्ट्राडाइट किया और वापस इंडिया लेके आए? ये कोई आसान बात है? हम लोग सब बड़ा मजाक उड़ाते हैं कि वो तो विदेश यात्रा कर रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं। मैं भी अपनी नौकरी में बहुत ट्रैवल करता हूं, आसान बात नहीं है बार बार ट्रैवल करना, रोज बिस्तर बदलता है, तकिया बदलता है, कमरा बदलता है, आदमी सो नहीं पाता, एक थाली में खाना नहीं मिलता। अगर आप वेजिटेरियन है तो और भी बड़ा कर्स है आपके लिए, सोने का समय अलग, जागने का समय अलग, जिस समय काम करना उस समय नींद आती है, जिस समय नींद आनी चाहिए उस समय आदमी बिस्तर पर बैठ के सोचता रहता है कि क्या करूं, नींद नहीं आ रही है। ऐसे में एक 65 साल का आदमी, जिसको किसी से लेना एक न देना दो, वो आपके और हमारे लिए देश देश भटक रहा है, सिर्फ इसीलिए कि वो पॉलिटिकल सपोर्ट वो गेन करे, ताकि भारत का नाम ना सिर्फ ऊंचा हो, ताकतवर बने। जो चाइना हमें पिछले 70 साल से ठेंगा दिखा दिखाकर हमारी जमीन हड़प रहा है, वो दोकलाम के किस्से में दुम दबा के पीछे हट गया, ऐसे ही हो गया, जादू था वो। अगर मोदी जी ने सारे राष्ट्रों का सपोर्ट नहीं गेन किया होता और उन सब के पॉलिटिकल प्रेशर के कारण हमारा अस्तित्व नहीं बनता जो आज है, तो चाइना आज भी हमें वैसे ही दबाता जैसे पहले दबाता आया है। आज इसराइल का हमारे साथ इतना बड़ा सपोर्ट है, यूएस का इतना बड़ा सपोर्ट है, यूनाइटेड स्टेट्स बाकी सारे इस्लामिक देशों पर सैंक्शंस इंपोज करता है, लेकिन जैसे ही इंडिया ईरान से तेल लेना चाहता है, यूएस कहता है कोई बात नहीं, आपके लिए सारे गुनाह माफ है। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है इंडिया की कीमत, वो कीमत कहां से आई। यही काम है प्रधानमंत्री का, 4 साल में उन्होंने जो किया है वो कोई प्रधानमंत्री इतने साल में नहीं कर पाया है, ये सोचने वाली बात है। और क्या चाहते हैं हम, कब तक हम मुफ्त की रोटी खाना चाहेंगे? किसी को नौकरी चाहिए तो किसी को लोन वेवर चाहिए, किसानों को क्यों मुफ्त में मिले सब, जस्ट बिकॉज वो किसान है? अरे जरा बुद्धि लगाइए आप लोग। किसान चाहता है कि उसे ज्यादा दाम में बेचने को मिले, हम चाहते हैं कि हमें सस्ते दाम में दाल चावल आलू टमाटर प्याज मिले, ये संभव कैसे है? अगर आपको चीज सस्ती चाहिए और किसान को कमाई ज्यादा चाहिए तो गैप भरेगा कौन? सोचिए जरा, टैक्स पेयर का ही पैसा है, खुद अपना पैसा आप लगा रहे हैं, सोचिए क्या चाहते हैं आप। और क्यों किसान के सारे ऋण माफ कर दिए जाएं? हमारी सहानुभूति है किसान के साथ, लेकिन हमारी सहानुभूति देश के हर व्यक्ति के साथ जो मेहनत कर रहा है, जो कमाने के लिए दिन रात एक कर रहा है, फिर चाहे वो खेत में हल जोत रहा हो, चाहे वो लैपटॉप का बैग टांग के लोकल ट्रेन में भाग रहा हो, हर किसी की मेहनत की कीमत है भाई। भगवान न करे कल आपको कोई नौकरी से निकाल दे,
या आपकी कंपनी शट डाउन हो जाए तो आप क्या अपने क्रेडिट कार्ड के वेवर के लिए आप सरकार से मांगे करेंगे कि सरकार मेरे क्रेडिट कार्ड के लोन्स और मेरे क्रेडिट कार्ड के बिल्स आप पे करो? क्यों भाई, कर्ज क्यों माफ किया जाए? कर्ज हमने लिया है, चुकाना हमारा फर्ज बनता है। सिंगापुर में आके देखिए, 80 साल के बुजुर्ग फूड कोर्ट में काम करते हैं, झूठा पहुंचते हैं, कूड़ा करकट उठाते हैं, सिर्फ टूरिस्ट की तरह आके यहां मत घूमिए, यहां रह के आम आदमी का जीवन देखिए। यहां कुछ भी फ्री नहीं है, आदमी मरते दम तक काम करता है और अपने स्वाभिमान से करता है। इसलिए यह देश ऐसा है क्योंकि हर आदमी यह सोचता है कि यह देश मेरा है। इसलिए यहां प्रधानमंत्री की भी उतनी ही इज्जत है जितनी एक टैक्सी ड्राइवर की है। आप खुद सोचिए कि आप चाहते क्या है। हमें यह मुफ्त में चाहे नौकरी हो चाहे कर्जा माफ करना हो, यह आदत से बाहर आना पड़ेगा। आप कहते हैं एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कहां से होगा एम्प्लॉयमेंट? रिजर्वेशन दे दे के आप जो अनडिजर्विंग है उनको क्वालिफाइड साबित कर देते हैं जस्ट बिकॉज उसके पास डिग्री है। इसीलिए अगर किसी को नौकरी पे किसी को रखना है तो वो क्वालिफिकेशन देखेगा या एक्सपीरियंस देखेगा या रियल कॉम्पिटेंस देखेगा। आज प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, इतने सारे योजनाएं बनाई हैं जिनके तहत आप यंगस्टर्स को प्रमोट कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए उन्होंने कितना काम किया है, देखते देखते आज इंडिया में इतने बिजनेस, नए नए छोटे छोटे बिजनेस बन गए। वही तो एम्प्लॉयमेंट देंगे, लेकिन मौका तो दीजिए। चार साल में आदमी जादूगर तो नहीं है कि जादू की छड़ी घुमाई और देश बदल गया। 70 साल का कूड़ा उठाने के लिए भी 4 साल कम होता है। यहां तो ये कूड़ा भी उठा रहे हैं और दूसरी तरफ प्रगति भी कर रहे हैं। थोड़ा दया भी करिए। जब आदमी देश विदेश घूम के आता है काम करके नौकरी करके, तो जब अपने घर पहुंचता है तो सोचता है कि उसके बीवी उसके बच्चे उसको पानी देंगे और बोलेंगे कि आप थके होंगे, बड़ी मेहनत करके आए। यहां यह आदमी देश विदेश घूम के आता है, पूछने वाला कोई नहीं है, बस गाली देने वाले हैं कि आ गए फिर से घूम के। अरे अगर पीठ नहीं थपथपा सकते तो गाली तो मत दीजिए, अगर ताली नहीं बजा सकते तो बुराई तो मत कीजिए। जरा सोचिए कहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कहां आपके ये सब बाकी जो छोटे मोटे नेता हैं जिनको एनसीसी नहीं पता, जिनको कुंभकर्ण योजना नाम देने की सोचती है, जिनको यह नहीं पता कि जीडीपी क्या है और देश कैसे चलता है। सिंगापुर जब आए उनसे पूछा गया कि आपके परिवार का क्या योगदान है, तो वो एक मिनट के लिए रुक गए कि यार मेरे परिवार का इस देश को बनाने में क्या योगदान है, जवाब नहीं दे पाए वो। आप ऐसे लोगों को देश का भविष्य सौंपना चाहते हैं? थोड़ा सोच समझ के करिए। आपका भविष्य है, हमारा भविष्य है, ये हमारा देश है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए, क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं एक आम से आम आदमी हूं, मेरे कहने से कुछ भी नहीं होगा। ये बात तो केवल आपकी आत्मा को हल्का सा टटोलने के लिए था। मेरा यह पूरा विश्वास है कि अगर कोई आदमी सच्चे मन से काम करता है, अगर उसके इंटेंशन में प्यूरिटी है, अगर उसके इंटेंशन में कमिटमेंट है, अगर उसके अंदर सच्ची देशभक्ति है, तो ये पूरी कायनात उसके साथ रहेगी, पूरी सृष्टि उसका साथ देगी। जब मन साफ हो और इरादे नेक हो तो आपके और मेरे वीडियो लाइक करने और शेयर करने से उसका काम बढ़ नहीं जाएगा और कम नहीं हो जाएगा। जिसके साथ ईश्वर है, जिसके साथ कायनात है, वो जीतेगा और अवश्य जीतेगा, क्योंकि उसके साथ सबका आशीर्वाद है। मेरी ये बात उन तक पहुंचे, आप तक पहुंचे या ना पहुंचे, मुझे केवल इस बात का संतोष है कि आज मैंने मेरे मन की बात एटलीस्ट उन लोगों से शेयर करी जो थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके इसको एक बार और देखेंगे या सुनेंगे और सोचेंगे कि हां यार शायद ये बात सही बोल रहे हैं। जो हमने एक गलती मध्य प्रदेश के साथ कर दी, शिवराज सिंह के साथ कर दी, ये गलती फिर से अगर मोदी जी के साथ दोहरा देंगे 6 महीने बाद, तो हम खुद अपने आप को नहीं माफ करेंगे। मोदी तो आज हैं, भगवान करे उनकी बहुत लंबी उम्र हो, लेकिन 20 साल 25 साल 30 साल बाद वो रहे ना रहे, जैसे सुभाष को भुला दिया, जैसे पटेल को भुला दिया, जैसे तिलक को भुला दिया, ये दुनिया मोदी को भी भुला देगी। लेकिन हम अपनी नजर में ना गिरें, हम अपने आप को कभी शर्मिंदा ना पाएं, ये दिन ना आए जब हम अपने आप को माफ ना कर सकें। इसीलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है, वोट दीजिए, लेकिन सोच समझ कर दीजिए। उस आदमी को दीजिए जो आपके और हमारे लिए काम कर रहा है, खुद के लिए बिल्कुल भी नहीं। जय हिंद।